नमस्कार दोस्तों, जीके विद भास्कर बीरबल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो राजस्थानी जीके का टॉपिक है वह है राजस्थानी लोक नृत्य, और राजस्थानी लोक नृत्य के 50 प्रश्न संजोए गए हैं और आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर तो बनता ही बनता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, चक्री नृत्य के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो चक्री नृत्य के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? उत्तर आपको दिख रहा है, कोटा प्रसिद्ध है। चक्री नृत्य के लिए कोटा है वो प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट, भील जाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य का नाम बताइए। भील जाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य का नाम बताइए। तो एक नृत्य का नाम देखते हैं, गौरी नृत्य है। गौरी नृत्य है वो भील जाति द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गौरी नृत्य कौन से स्थान पर प्रमुखता से किया जाता है? गौरी नृत्य कौन से स्थान पर प्रमुखता से किया जाता है? तो उत्तर देखते हैं, उदयपुर में प्रमुखता से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, लूर नृत्य किन महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है? लूर नृत्य किन महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है? चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है। जसनाथी सिद्धू द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? जसनाथी सिद्धू द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो चलिए दोस्तों उत्तर देखते हैं, अग्नि नृत्य है। जसनाथी सिद्ध हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो कतियासर बीकानेर में किया जाता है। कतियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गरासियों का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ग्रासियों का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो ग्रासियों का प्रमुख नृत्य वालर नृत्य है। वालर नृत्य, मांदल नृत्य किन महिलाओं द्वारा किया जाता है? मांदल नृत्य किन महिलाओं द्वारा किया जाता है? ग्रासिया महिलाओं द्वारा मांदल नृत्य किया जाता है। जैसलमेर और पाली किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? जैसलमेर और पाली किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तेरह ताली नृत्य के लिए। तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर और पाली, और ये रामदेव जी के भजनों को गाते समय किया जाता है। हाड़ौती अंचल के प्रसिद्ध नृत्य का नाम बताइए। हाड़ौती अंचल के प्रसिद्ध नृत्य का नाम बताइए। तो नाम देखते हैं, चक्री नृत्य। हाड़ौती अंचल का जो प्रसिद्ध नृत्य है वह है चक्री नृत्य। राजस्थान का जोधपुर जिला कौन कौन से लोक नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जोधपुर जिला है वह कौन कौन से लोक नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए उत्तर, डांडिया लोक नृत्य और घुड़ला लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। डांडिया लोक नृत्य और घुड़ला लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। मेव जाति का मूल नृत्य कौन सा है? मेव जाति का मूल नृत्य रणबाजा नृत्य है। मेव जाति का मूल नृत्य रणबाजा नृत्य है। मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? रतवई नृत्य है। रतवई नृत्य है। अग्नि नृत्य किस जिले में किया जाता है? अग्नि नृत्य बीकानेर में किया जाता है। अग्नि नृत्य है वो बीकानेर में किया जाता है। गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य चरी नृत्य है। गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य है वो चरी नृत्य है। लांगुरिया लोकगीत कहाँ पर गाए जाते हैं? लांगुरिया लोकगीत करौली में गाए जाते हैं। लांगुरिया लोकगीत है वो करौली में गाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तेरह ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति के भोपू के द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति के भोपू के द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। शिकारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शिकारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बारह का है। शिकारी नृत्य बारह का प्रसिद्ध है। थाली नृत्य किसके भक्तों द्वारा किया जाता है? थाली नृत्य किसके भक्तों द्वारा किया जाता है? पाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। पाबूजी के भक्तों के द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य वालर नृत्य है। सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य वालर नृत्य है। डांग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? डांग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वल्लभ संप्रदाय के भक्तों के द्वारा
किया जाता है। वल्लभ संप्रदाय के भक्तों के द्वारा डांग नृत्य किया जाता है। ढोल नृत्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जालौर जिला है वो ढोल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। चरवा नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? चरवा नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? माली समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है। झालावाड़ कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर है बिंदोरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। बिंदोरी नृत्य के लिए झालावाड़ है वो प्रसिद्ध है। बंजारा समाज का प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो बंजारा समाज के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? मछली नृत्य तथा नेजा नृत्य। तो बंजारा समाज के जो दो प्रमुख नृत्य हैं वो एक है मछली नृत्य और दूसरा है नेजा नृत्य। डांग नृत्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? डांग नृत्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? राजसमंद जिला प्रसिद्ध है। डांग नृत्य के लिए राजसमंद जिला है वो प्रसिद्ध है। पेजन नृत्य राजस्थान में किस अवसर पर किया जाता है? पेजन नृत्य राजस्थान में किस अवसर पर किया जाता है? तो ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है। पेजन नृत्य राजस्थान में दीपावली के अवसर पर किया जाता है। नौटंकी नृत्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नौटंकी नृत्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भरतपुर जिला प्रसिद्ध है। भरतपुर जिला है उसमें नौटंकी नृत्य किया जाता है। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का चरी नृत्य है वो प्रसिद्ध है। चरी लोक नृत्य है वो काफी प्रसिद्ध है किशनगढ़ अजमेर का। गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गिंदड़ नृत्य सीकर जिले का प्रसिद्ध है। सीकर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है गिंदड़ नृत्य और ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, डांडिया नृत्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? डांडिया नृत्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जोधपुर जिला डांडिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। चरकुला नृत्य किस जिले में किया जाता है? चरकुला नृत्य किस जिले में किया जाता है? तो ये जो नृत्य है वो भरतपुर में किया जाता है। भरतपुर में किया जाता है चरकुला नृत्य। कच्छी घोड़ी और चंग नृत्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कच्छी घोड़ी और चंग नृत्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सीकर जिला प्रसिद्ध है। कच्छी घोड़ी और चंग नृत्य के लिए सीकर जिला प्रसिद्ध है। गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य से है। तो गुलाबो है उसका संबंध कौन से नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य से है। कथोड़ी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कथोड़ी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मावलिया नृत्य है। मावलिया नृत्य किया जाता है। पणिहारी नृत्य मुख्य रूप से किस गीत पर किया जाता है? पणिहारी नृत्य मुख्य रूप से किस गीत पर किया जाता है? पणिहारी गीत पर किया जाता है। गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध स्थान है, तो गैर नृत्य के लिए मेवाड़ और मारवाड़ है वो प्रसिद्ध है। गैर नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है और मेवाड़ और मारवाड़ इसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पणिहारी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पणिहारी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया महिलाओं द्वारा किया जाता है। गौर नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ये गौर नृत्य है और एक गैर नृत्य भी है। तो गौर नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? गरासिया महिलाओं के द्वारा गणगौर के अवसर पर किया जाता है। गौर नृत्य है वो गरासिया महिलाओं द्वारा गणगौर के अवसर पर किया जाता है। नाहर नृत्य कहाँ पर आयोजित होता है? नाहर नृत्य कहाँ पर आयोजित होता है? भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में आयोजित होता है। भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में आयोजित किया जाता है इसका। लूम्बर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? लूम्बर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। बिछुड़ा किस जाति के महिलाओं का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? बिछुड़ा किस जाति की महिलाओं का सबसे लोकप्रिय नृत्य किया जाएगा भाई? महिलाओं का सबसे लोकप्रिय नृत्य है तो ये कालबेलिया जाति की महिलाओं का सबसे लोकप्रिय नृत्य है बिछुड़ा। वेरीहाल नृत्य कहाँ पर किया जाता है? वेरीहाल नृत्य है ये बांदा गांव में किया जाता है और वेरीहाल एक ढोल का नाम है। बांदा गांव में किया जाता है वेरीहाल नृत्य। जेला नृत्य किस समाज का पसली नृत्य है? फसल पकने पर किया जाने वाला नृत्य है। तो
ये है सहरिया समाज का पसली नृत्य है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। कथक एकमात्र नृत्य है शास्त्रीय। हाथी मना नृत्य किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? हाथी मना नृत्य किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? तो ये भील जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, भील जाति के लोगों द्वारा। घुड़ला नृत्य में घुड़ला किसको कहा जाता है? घुड़ला नृत्य में घुड़ला किसको कहा जाता है? तो मटके को या मटके को कहा जाता है। ये आगे का नाम है वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, गढ़े को कहा जाता है। कूद नृत्य किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? कूद नृत्य किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? तो कूद नृत्य है वो किया जाता है गरासिया जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। गरासिया जाति के लोगों द्वारा कूद नृत्य किया जाता है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और 50वां प्रश्न, मोरिया नृत्य किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? मोरिया नृत्य किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? तो ये जो नृत्य है वो गरासिया जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन